हेलो गाइस, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई आज फिर से खेलने वाले ग्रैंड ट्रक सिमुलेटर 2 और इसके जो लेसन 7 है वो आपको आज मैं बताने वाला हूँ कैसे कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना गाइस। तो लेसन 7 में अब अपडेट भी आ चुका है। तो मेरे देखो गाइस यहाँ पर लेसन कम्प्लीट हैं सभी के सभी। तो मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। तो जो अब इसमें अपडेट आया है वो भी बताऊँगा आपको, लेसन 7 में जो अपडेट आया। तो ज़्यादातर सभी लोगों को ये प्रॉब्लम आती है जहाँ पे 14 की स्पीड पे एक्सीलेटर दबाना होता है, तो वहाँ पे होल्ड करना होता है 14 की स्पीड पे, तो वहाँ पे नहीं कुछ लोगों को समझ आती है। तो वहाँ पे गए सब, जहाँ 14 की स्पीड है वहाँ पे 20 की स्पीड हो चुकी है। तो जहाँ पे गए सब, जहाँ पे आप सब कुछ नीचे पढ़कर रेड मूड ऑन पार्स दिए, तो जहाँ पे गए सब में जो पैंडल होता है रेस वाला उसको डबल टच करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे न्यूट्रल गियर है तो जहाँ पे ग्रीन कलर है पहले, तो जब पैंडल को दो बार दबाओगे तो ये रेड में हो जाएगा रेस वाले को। तो जब ब्रेक वाले को दबाओगे दो बार तो जो फिर से गाइस ग्रीन में मूड में हो जाएगा। अगर रेस वाले को दबाओगे तो रेड में हो जाएगा, अगर ब्रेक वाले को दबाओगे तो फिर से ग्रीन वाले में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ट्रक हो गया हमारा स्टार्ट। तो जहाँ पर तो टर्न ऑन इंजन तो हमने कब का कर दिया है। तो गाइस यहाँ से एक्सीलेटर देना है 15 की स्पीड पे जो भगाना है। तो यहाँ पे हमारा 15 की स्पीड पे भाग चुका है। तो यहाँ पे देखो गाइस कह रहे हैं डबल पार्स 2 एक्सीलेटर पैंडल 2 एंटर रेड मूड। तो यहाँ पे देखो गाइस न्यूट्रल की जगह रेड मूड हो चुका है। तो यहाँ पर फिर से देखना डी रेड मूड, जहाँ पर गाइस डबल टच करोगे तो अभी गाइस इसने अभी हाँ अब कह रहे हैं भाई डबल टच करोगे ब्रेक वाले पर तो जहाँ पे देखो फिर से ग्रीन मोड हो चुका है। तो इसका फ़ायदा यह है गाइस, अभी यहाँ पे कहेंगे भी इसको पहले 50 की स्पीड पे भगाना है 50 की स्पीड पे, तो मैं बताता हूँ इसका फ़ायदा क्या है रेड मोड का। तो जहाँ पे गाइस आ गई एक्सीलेटर की ऑप्शन, तो जहाँ पर 50 किलोमीटर की स्पीड पर भगाना है 50 किलोमीटर, तो चलो गाइस इसको भगाते हैं 50 किलोमीटर्स पे और बताता हूँ आपको जो भी रेड मूड का मतलब क्या है गाइस। तो अभी यहाँ पे हमारा 31 की स्पीड पे हो चुका है। तो मेरा गाइस एक व्लॉगिंग चैनल है माजे वाले पाऊ, वो भी सब्सक्राइब कर लेना, और एक गेमिंग चैनल है GTX बंगू गेमिंग, तो दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और जहाँ पर हमारी 50 की स्पीड हो चुकी है, पार हो चुकी है, तो जहाँ पर डबल टच करेंगे तो यहाँ पर देखो गाइस हाई की जगह जहाँ पे हाई गियर और 5 गियर आ रहे हैं वहाँ पे रेड मूड हो चुका है। अगर डबल टच करोगे तो ग्रीन मूड हो जाएगा, फिर ब्रेक दबा के रखना है एक्सीलेटर को, ब्रेक वाले को दबा के रखना है। तो जो हमारी ब्रेक होती है वो फास्ट लगती है ब्रेक, तो इसका फ़ायदा ये है गाइस। तो अभी जो गाइस यहाँ पर प्रॉब्लम सभी को आगे आती है जो 14 की स्पीड पर होल्ड करके रखना होता है, तो अभी जो ये फॉलो करने होंगे इनके जो ये बताएँगे। तो यहाँ पे गाइस कुछ ऑप्शंस होती हैं मेरे ख्याल से, तो ये भी गाइस आप फॉलो करते जाना इनके। तो अभी यहाँ पे गाइस तो चलो गाइस बटन अगेन मोड, तो यहाँ पे फिर से गाइस हमारा स्पीड मोड आ चुका है। तो गोइंग टू हाउ टू यूज़ कंट्रोलर, तो अभी अलाउ यूज़ टू सेव टू लॉड ऑफ फ्यूल, तो यहाँ पे आ चुका है गाइस ये एक्सीलेटर 2 14 किलोमीटर एच दी होल्डर डाउन दी तो बटन टू एक्सीलेटर। तो ये गाइस जो किसी को समझ नहीं आता ये होल्ड कैसे करना होता है 40 किलोमीटर की स्पीड पे, 40 की स्पीड पे, तो जहाँ पे अब अपडेट आ चुका है आप 20 की स्पीड पे भी होल्ड कर सकते हो। तो चलो गाइस मैं यहाँ से ट्रक को तोड़ता हूँ, और जैसे हमारी 20 की स्पीड होती है तो जहाँ पे रेस आ रही है ना ऊपर देखोगे आप सज्जी सेट, तो जहाँ पे देखो गाइस 20 की स्पीड हो चुकी है, तो मैं इसको ऐसे इसको दबा कर रखना, टच करके रखना, जब 20 की स्पीड हो ऐसे होल्ड करके रखना है, तो जो हमारे ट्रक की रेस होती है एक थां पे रुक जाती है, तो हमारा जो ट्रक है एक स्पीड पर जाएगा। तो ये जो गाइस लेसन 7 में बताते हैं भी 14 की स्पीड पर होल्ड करके रखना है, अब 20 की स्पीड आ चुकी है, आप 20 की स्पीड पे होल्ड कर सकते हो। इसका फ़ायदा ये है गाइस, अगर आप ऐसे रेस देकर रखे हो, आपका रेस मन हो भी आपका अंगूठा थक गया भी मैं ट्रक अंगूठा हटा लूँ और जब हमारा ट्रक एक ही स्पीड पे जाए, तो उसके लिए वहाँ पे आप होल्ड करके रखोगे तो जो आपकी स्पीड होगी ट्रक के वो वहाँ पर होल्ड हो जाएगी, तो वही स्पीड पर आपका ट्रक जाएगा।
तो ये लेसन 7 का फ़ायदा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर, और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो आप मैंने बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस।